Hello everyone, this is your English teacher from Welkin National School. Today we are going to learn subject English from standard 3rd. See the poem number 30, A Book Speaks. यहाँ पे बुक हमें कुछ बता रहा है, वो क्या है? Let's see. First I will read the poem. When you drop me on the floor, I get stepped on, my sides are sore. Torn out pages make me groan. I feel dizzy if I am thrown. Every mark and every stain on my covers give me pain. Please don't ban me. If you do, I don't want to talk to you. But we will both be friends together if you protect me from the weather and keep me clean so that I look a tidy, neat and happy book. Here in this poem, a book talks about its feeling. यहाँ पे जो book है अपने feelings के बारे में बातें कर रहा है, हमें बता रहा है. It says that when someone drops it on the floor, it gets stepped on and its sides feel sore. जब भी book को इसको कोई घिरा देता है तो इसको क्या हो जाता है, बहुत ही दर्द होता है, फील हो जाता है. कि जब हम लोग कभी गिर जाते हैं ज़मीन के ऊपर, तब हमें क्या फील होती है, क्या होता है, हमें हर्ट होती है. हमारी जो कहीं पे ना कहीं हड्डी या कुछ भी दर्द होता है, स्वेलिंग होती है. उसी तरह से बुक भी कह रहा है कि जब आप लोग कोई मुझे अगर नीचे फ्लोर पे ज़मीन पे घिरा देता है तो मुझे हर्ट होता है. और स्टेप ऑन इट्स एंड साइड्स फील सोर, सूजन आती है. इट्स अ बॉडी पार्ट, सो इट मीन्स इट हर्ट्स व्हेन यू टच और मूव इट, दर्द होता है. इट मेक्स अ नॉइज ऑफ पेन व्हेन समवन टेयर्स आउट इट्स पेज. जब कोई भी इस मेरे बुक का जो मेरे जो पेजेस जब फाड़ते हैं, टेयर्स करते हैं, तो मुझे क्या होता है, बहुत ही दर्द का जो नॉइज है वो मुझे सुनाई देता है. मेरी जो दर्द है वो है, मेरी दर्द का वो जो नॉइज है वो है जो पेज फाड़ते हो जब. इट फील्स गिडी इफ इट इज थ्रोन अवे. जब आप लोग मुझे फेंकते हो तब उस क्या हो जाता है, गिडी जैसा हो जाता है. एनी मार्क और स्टेन ऑन इट्स कवर इट गिव्स इट पेन. जब भी कोई बुक के ऊपर या पेजेस के ऊपर मार्क करता है या दाग लगाता है तब क्या होता है, मुझे बहुत ही पेन होता है. द बुक रिक्वेस्ट, बुक क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है इट्स रीडर्स नॉट टू बेंड इट. जब आप लोग पढ़ते हो तो प्लीज़ मुझे क्या मत करो, बैंड मत करो. इट सेज इट विल नॉट लाइक टू द पर्सन हु डज सो. और जो भी मुझे बैंड करता है पढ़ते वक्त, वो पर्सन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा ये बुक कह रहा है. सो इट देन सेज दैट इट विल बी फ्रेंड्स विद दोज हु प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द वेदर एंड कीप इट क्लीन सो दैट इट लुक्स अ टाइडी नीट एंड हैप्पी बुक. मैं उसको ही फ्रेंड बनाऊंगा जो मुझे मेरे जो प्रोटेक्ट करता है वेदर से, या मुझे क्लीन रखता है टाइडी और मुझे नीट एंड हैप्पी बुक रखता है, उसी को मैं क्या करने वाला हूँ, अपने फ्रेंड बनाने वाला हूँ. इस तरीके से यहाँ पे बुक जो है अपने जो फीलिंग्स यहाँ पे बता रहा है. सो लर्न दिस पोएम. आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. थैंक यू.